और अमूल दूध के दाम बढ़ने पर विपक्ष ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा है। चौथी बढ़ोतरी एक साल में, 3 रुपए अमूल दूध जो है फिर से महंगा हो गया, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? मैं इसे इस सरकार के बजट के विफलता के हिसाब से देखता हूं कि इस बजट को लेकर आम आदमी ने सोचा था कि उनकी जो महंगाई है उसमें थोड़ी कम होते हुए उनको नजर आएगी, लेकिन ये सरकार ने महंगाई को लेकर कोई चिंता नहीं की। महंगाई की नियंत्रण पूरी आरबीआई पे रख दी है, सौंप दी है, और सिर्फ स्वयं बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े व्यापार, उनके मुनाफे और उनके बड़े बड़े फैक्ट्रियों के लिए कस्टम्स ड्यूटी उन्होंने कम कर दी। जहाँ की मेरा ख्याल है कि सरकार ने जिस प्रकार से बड़ी कंपनियों के लिए, उनके बड़े बड़े इंपोर्ट के लिए कस्टम्स ड्यूटी कम कर दी, उसी प्रकार से आम आदमी की जो घर की जो सामग्री है उसमें जो दाम में कमी आई उसके लिए भी सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए थी, पर नहीं उठाया। तो जैसे कि हमने पहले भी बोला कि इस ये बजट में ना बेरोजगारी के लिए कोई आंसर है या उत्तर है, ना महंगाई की समस्या के लेकर। क्या कहेंगे, अमूल का दाम जो है 3 रुपये बढ़ा दिया गया है? देखिए ऐसा है, अमूल एक ऐसी दूध को, यानी इन्होंने 3 रुपये पर केजी बढ़ाया है, तो सीधी सीधी ये तो मार है हमारे गरीबों पर, क्योंकि दूध ही एक ऐसा चीज़ है जो कि बच्चे भी पीते हैं और कहते हैं कुपोषण को दूर करना है, तो क्या भारत को फिर से कुपोषण में लाना है क्या? जो भी अमीर लोग हैं उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास तो बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। हर घरों में दूध जाता है, कम से कम 1 केजी तो जाता ही है। साल भर में 3 या 4 दफ़ा ये बढ़ रहा है। ये हम सबको सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, और एक आम जनता को मार दिया जा रहा है, ये तो बहुत गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए ऐसा। क्योंकि हम लोग जो बेसिक हमारी नीड है, जो हम लोग जो हम लोग रोज़ ही जिस चीज़ को लेते हैं, चाहे हम हों चाहे हमारे बच्चे हों, उसको तो सस्ता रखना। अमूल ने चौथी बार पिछले एक साल में दूध की कीमतें बढ़ाई हैं, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये जनता के हित में नहीं है। बजट के अगले ही दिन अमूल ने कीमतें बढ़ा दी। दरअसल महंगाई पर इस सरकार का कोई नियंत्रण है भी नहीं, और सरकार महंगाई को ख़त्म करने के लिए इच्छुक भी दिखाई नहीं देती है। जनता की परेशानियां आर्थिक क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही हैं और सरकार उसे रोकने में बिल्कुल विफल रही है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।